पित्ताशय में पथरी होना एक आम परेशानी है। अगर आपके हाल ही में गॉल ब्लैडर से पथरी निकलवाने के लिए सर्जरी कराए तो आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देने की जरूरत है। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में पथरी बहुत पीड़ादायक होती है और कोलेसिस्टेक्टोमी कराने के बाद आहार में कुछ बदलाव की जरूरत भी पड़ती है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पित्ताशय की पथरी का ऑपरेशन कराने के बाद आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सर्जरी के बाद ज्यादा वसा युक्त आहार को पचाने में मुश्किल होती है, इसलिए कम वसा वाले खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां, दाल, साबुत अनाज और फल का सेवन करें। इन खाने की चीजों में घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो डायरिया की परेशानी से बचाता है, इसलिए अपने आहार में ब्रोकली और स्वीट पोटैटो जैसे फाइबर युक्त सब्जियों को शामिल करें। इसके साथ ही ज्यादा खट्टे फल खाने से भी बचें। सर्जरी के बाद डॉक्टर आपको हल्का फुल्का और सॉफ्ट फूड खाने की सलाह देते हैं। इस दौरान आपको ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लेना चाहिए। हल्के और सॉफ्ट फूड खाने से पाचन बेहतर रहेगा। आपको उबले आलू, केला और सफेद चावल का सेवन करना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे अपने आहार में परिवर्तन भी करना चाहिए। अगर आपको मीठे खाद्य पदार्थ ज्यादा पसंद है तो सर्जरी के बाद इन चीजों से परहेज करें। गॉल ब्लैडर की पथरी के ऑपरेशन के बाद आइसक्रीम, पेस्ट्री, कुकीज, डोनट्स तब तक न खाएं जब तक पूरी तरह से आप ठीक न हो जाएं। सोडा, कैफीन और अल्कोहल से भी परहेज करें। इसके साथ ही ज्यादा मीठा जूस और पेय पदार्थों का सेवन करने से बचें। इसके बजाय पिपरमिंट चाय का सेवन करें। रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से तेजी से आप ठीक हो सकेंगे, इसलिए अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे तो विटामिन और खनिज युक्त पेय पदार्थों का सेवन करें। वहीं इन चीजों के साथ ही ज्यादा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें। इससे पित्ताशय की पथरी के ऑपरेशन के बाद तेजी से उभरने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।